स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास थर्ड में मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 डिवीजन ऑफ नंबर्स के आगे के सम्स आपको सॉल्व कराएंगे। आज हम आपको कराएंगे नाउ डिवाइड द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन, मतलब लाइन खींच के हमें डिवाइड कैसे करेंगे नंबरों से, यानी कि नंबर लाइन से डिवाइड करना हम आपको आज बताएंगे। तो हम आप स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा, पेज नंबर 73 का क्वेश्चन नंबर फोर। नाउ डिवाइड द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। तो कैसे करेंगे, पहले हम फॉर एग्जाम्पल समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास है डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, तो हमें ये निकालना है नंबर लाइन के द्वारा। कैसे, पहले हम एक लाइन खींचेंगे यहां पे, और यहां हमने ये पहले लाइन खींची, यहां पे एक हम लाइन खींचेंगे, फिर इन पर हम नंबर लिखेंगे। सबसे पहले 0 से स्टार्ट करके नंबर लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। ठीक है, मानेंगे हमने नंबर लिख लिए। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 2। ठीक है, 2 से हमें डिवाइड करना है, तो हम 2 का जंप करेंगे। कैसे, हम 2 से जंप करेंगे, यहाँ जैसे हमने यहाँ 20 तक लिख लिया, अब हम यहाँ पे हमारा 10 से हमें 10 2 को हमें 10 से डिवाइड करना है, तो 10 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और 10 से हम 2 की, जिससे हमें डिवाइड करना है उससे 2 की जंप लेंगे। क्या लेंगे, पीछे की तरफ हम जाएंगे। जैसे 10 है, यहां से हमने 2 जंप किया, 9 और 8 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ 8 से हम 2 जंप करेंगे, तो यहाँ 6 पे आएगा, और जब तक जंप करेंगे जब तक हम 0 पे नहीं पहुंचाती, यानी 0 तक हम जंप करते जाएंगे। फिर 6 से हम 4 पर जंप करेंगे, 2 पे 2 को जंप करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, फिर 4 से 2 पर और 2 से 0। तो कितनी बार ये जंप हुआ हमारा, 1, 2, 3, 4, 5 बार। कितनी बार जंप हुआ, तो आंसर क्या आ गया हमारा, यहाँ पे आंसर क्या आया, 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, 2 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो भी देखो 5, 2, 5 जा 10, तो 5 बार गया हमारा डिवाइड करके, आंसर क्या आया 5। समझ में आ गया बच्चों, क्या करना, हमें नंबर लिखने हैं और फिर जितने से हमें डिवाइड करना है उतने से स्टार्ट करके, अगर हमें 2 से डिवाइड करना है तो 2 जंप करेंगे, 5 से डिवाइड करना है तो 5 जंप करेंगे। तो अब स्टार्ट करेंगे हम अपना नेक्स्ट सॉल्व। ये तो हमने आपको एग्जाम्पल दिया, अब हम सम्स कराएंगे। तो सम्स है हमारा ए, ए है हमारा 21 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू, हमें यहां आंसर बताना है। तो सेम अभी हमने आपको एग्जांपल में बताया था, हम एक लाइन खींचेंगे और 0 से स्टार्ट करते हुए लिखते जाएंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। बच्चों आगे आ नहीं रहा,
हम मतलब कम से कम उतने नंबर तो लिखेंगे जितने यहाँ पर, जितने से हमें यहाँ डिवाइड करना है, यानी उतने या उससे ज्यादा तो हमें लिखने ही होंगे, क्योंकि पहले हमारे जो थे 10 से हमने डिवाइड किया था, तो अगर हम 10 तक या 15 तक भी लिखते तो भी चलता। अगर यहाँ पे 21 की जगह 25 होता तो हम कम से कम 25 नंबर हमें यहाँ पे आगे लिखने होते। तो आप अपनी नोटबुक में आगे बढ़ा सकते हैं, ब्लैक बोर्ड में आ नहीं रहा इसलिए मैंने 21 से, तो मैंने 22 तक नंबर आपके लिखे हैं। अब ये 21 है, यानी 21 से यहां से हम कितनी जंप करेंगे, 3 से हमें डिवाइड करना है तो 3 जंप करेंगे, ठीक है। 21, 22 और 29, 18, ठीक है, यहाँ पे आ गया। यानी 21 से हमने 3 डिजिट छोड़ के जंप की तो हमारा आया 18, यानी 3 लाइन छोड़ी हमने, 1 2 3, तो 18 पे आ गया, ठीक है। फिर 18 से हम 3 लाइन छोड़ेंगे तो हमारा किस पर आएगा, 14 पर, 1 2 3, 15 पे आ गया। फिर 15 से हम करेंगे तो हमारा किस पे आएगा, 12, ठीक है। अब 12 से हम 3 जंप करेंगे तो हमारा 9 पे, और 9 से हम 3 जंप करेंगे तो आएगा किस पे, 6 पे, और 6 से हम 3 जंप करेंगे तो हमारा आएगा 3 पे, और 3 से हम 3 जंप करेंगे तो हमारा आएगा 0, ठीक। अब कितनी बार हमने जंप किया, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बार जंप हुआ, 7 बार, तो आंसर क्या आ गया, 7, गॉट इट, अच्छे से समझ में आ गया। आप वैसे भी डिवाइड करके देखिए 3 के टेबल में 21 कितने नंबर पे आता है, कितनी बार में आता है, 7 बार, 3 7 जा 21, यानी हमारा ये राइट आंसर है, हमने नंबर से जो जंप किया वो राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन बी, क्वेश्चन बी है हमारा 25 / 5 = इसमें भी हम नंबर लाइन लिखेंगे और सबसे पहले 0 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 and 25। बच्चों मैंने पहले भी आपको बताया था कम से कम हमें उतनी लाइन तो नंबर तो लिखने हैं लाइन खींच के जितने से हम डिवाइड करें, ठीक है। जैसे हमने 5 से हमें 25 को डिवाइड करना है तो 25 लाइंस या नंबर तो हमें यहाँ पे राइट करने होंगे। मैंने आपको दिखाया था पहले मैंने 20 तक करा, फिर कम उसमें 21 था तो मैंने 22 तक करा, अब 25 है तो हम 25 तक तो करेंगे ही। अब इसमें हमें 5 से डिवाइड करना है तो हम कितने की जंप करेंगे, 5 की, 5 डिजिट को जंप करेंगे, कहां से, 25 से, क्योंकि ये 25 है, 25 से 5 लाइन हम जंप करेंगे, तो 1 1 2 3 4 5, तो 20 से 20 पर आएगा, 1 2 3 4 5, 5 लाइन हमने जंप करी, ठीक है, तो 20 पे आ गया। फिर 5 लाइन हम जंप करेंगे तो कितने पे आएगा, 15 पर, 15 से फिर हमने 5 लाइन जंप करी तो किस पे आएगा, 10 पे, देखिए 1 2 3 4 5, 10 पे आ रहा है। फिर 10 से हम 1 2 3 4 5, 5 लाइन ज्वाइन करी तो 5 पे आ गया। फिर हम 1 2 3 4 5, 0, गॉट इट। अब ये कितना हुआ, 1 2 3 4 5, 5 बार हमने जंप किया तो आंसर हमारा क्या हो गया, 5 5 5 जा 25, तो आंसर आ गया, गॉट इट, आ गया ना, वेरी इजी सम्स है, बहुत सिंपल है, आप ध्यान से इनको करके आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी नोटबुक में। तो आज की क्लास में इतना ही, टुडेज होमवर्क, डू क्लास वर्क इन नोटबुक एंड बुक, आपको ये बुक में भी फिल करना है और अपनी नोटबुक में भी करके देखना है। आप चाहें तो और किसी डिवाइड लेके सम्स
से करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, सी यू टुमारो, थैंक यू।